आपण देखुछन्ति मध्यान खबर सहित मु निवेदिता बुलेटिन आरंभरु प्रथमे हेडलाइन्स। राज्य में तलमुहा कोरोना संक्रमण 24 घंटे 3631 पॉजिटिव 43 मृत जन स्वास्थ्य निर्देशक कहे एवं फोकस्ड उपकूल ओडिशा 13 जिले में व्यापक हो सर्विलांस एक मास शेष सुधा नियंत्रण को आसव संक्रमण। राज्य में आज अनलॉक आरंभ 14 दिन लॉकडाउन आंशिक कोहल 17 जिले में कटक अधिक कोहल राजधानी समेत 13 जिले में दुकान बजार 11 परिवर्ते गोटाए जाए खोला बाकी सबु कटक बलबत्तर। बेआईन तेल डिपो पुलिस चढ़ऊ 80 लिटर डीजल जबत जाजपुर धर्मशाला वर्ष वर्ष धरी चलता बेआईन तेल डिपो विभिन्न कंपनी टैंकर तेल काढ़ी चोरा व्यवसाय करुले माफिया। अर्जुन पुरस्कार वंचित हो कि ओडिशार हॉकी खिलाड़ी वर्तमान पर्यंत केन्द्र को क्रीड़ाविद ना सुपारिश करनी राज्य सरकार ए दिगरे तत्परता प्रकाश कर नहीं उठला बड़ प्रश्न। नयगढ़ कुनी बेबी को मारा किए पुणी परी घटनार पुनरावृत्ति निखोज पांच दिन पर मिला नाबालिकार मृतदेह जड़े अटक सूचना अंग तस्करी आंगेल में पुलिस पर तदंत उठला प्रश्न। धरा पड़ा ट्विटर सांप्रदायिकतर खेल सोशल मीडिया प्लाटफर्म पर एवं बढ़ला अड़ुआ जाशु हिंसा बढ़ावा भी वीडियो वायरल करने अभोग मामलार रुजु ट्विटर को जवाब मांगा उत्तर प्रदेश पुलिस। राज्य में लगातार भाव में कमिबार लगी कोरोना संक्रमण गत 24 घंटा मध्य राज्य में 3631 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती 2069 जन संग्रोध केन्द्र चिन्हट होता बेले स्थानीय संक्रमण रही 1562 तेज आज खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 506 जन आक्रांत चिन्हट होती तेज गत 24 घंटा मध्य कटक 438 जन जाजपुर 305 अनुगुल 204 बालेश्वर 262 चिन्हट होती वर्तमान पर्यंत राज्य में 8,66,692 पॉजिटिव चिन्हट होती से 8,17,359 जन सुस्थ होती एवं भी 45,809 जन सक्रिय संक्रमित अच्छा गत 24 घंटा 5,579 जन आक्रांत सुस्थ होती। पश्चिम ओडिशार स्थिति नियंत्रण को आसवा पर उपकूल ओडिशा को एबे फोकस दिया जाउछ अधिक संक्रमण थिबा जिले में अधिक टेस्ट करा डोर टू डोर सर्वे व्यापक करा जिबो ऑफिसर जिलापाल सजाग अछंती अधिक फोकस करा जाउछ पर्याक्रमे पश्चिम ओडिशा रे आरंभ होई उपकूल को आसीतला संक्रमण धीरे धीरे ह्रास पाइबा स्वाभाविक प्रक्रिया मध्य आरंभ होउछे। आज 18 जिले में 2 अंक को खसी दैनिक संक्रमण संख्या बाकी जो जिले में अधिक अच्छी सरकार जो भी पदक्षेप आगो को यह कम हाराहारी 6% रोचे संक्रमण हार जो जिले में अधिक रोचे आशा करस शेष सुधा बहुत कम आईसीयू परिचालना नहीं प्रतिक्रिया रखिंट जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र। ये गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया आप देखिले वेस्टर्न इंडिया रे आरंभ होला खसला आमर तापर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को आसला सेमती आमर भी गोटे पर्यायक्रमे पश्चिम ओडिशा रु व्यापिक आसर सेपट कमी आरंभ होला आप जानते आज प्राय 18टा जिले में डबल डिजिट अच्छे 100 तले अच्छे बाकी ये जो जिला स्लाइटली अधिका अच्छी से पर्यायक्रमे आम जहाँ कार्यक्रम चली जो भाई भाव में टेस्टिंग चली भाव डोर टू डोर सर्वे चली सी भी नियंत्रण भितर को आसीज कहीं पूरा राज्य में बर्तमान आप जानते हाराहारी 6% पाखापाखि टीएफआर रोज सेबडे अधिक संक्रमण थिबा 13टी जिले में व्यापक सर्विलांस करा जिबो संक्रमित को चिन्हट कर संगरोध में रखा जिबो ट्रीटमेंट और कंटाक्ट ट्रेसिंग करा जिबो जो अंचल में अधिक चिन्हट हे से जगह को कंटेनमेंट करा जिबो तेबे ए सबु सत्ते सरकार को जनता सहायता दरकार
खोला हेला बोली ढिला होइकले चलिबो नाही। कोविड नियम सबको मानिबा को पड़िबो, नचेत सरकार चेष्टा कले मध्ये फल मिली न पारे। 17 जिला रे शीघ्र संक्रमण आरंभ होइतला ओ सेति पई शीघ्र कमिला। आज राज्य रे संक्रमण हार 5.7 अछि, तणु एभळि भाबे जदि खसिबो तबे ई मास शेष सुधा स्थिति रे बहुत सुधार आसी जाइथिबो। राज्य सरकार इक्मो मेसिन आणिबा पई प्रक्रिया चलाइछंती, तबे एम्स को ए मास शेष सुधा गोटे इक्मो मेसिन आसिबो बोली कहिछंती स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र। मोर स्ट्राटेजी हला हमर खोजिबा, आम सर्भेलांस करूँ, डिटेक्ट करूँ सिम्टोमेटिक्स, आइसोलेट करूँ, ट्रीटमेंट करूँ, कंटाक्ट ट्रेसिंग करूँ, लिमिट करने को चेस्टा करूँ, जदि कौटी बेस बाहर कंटेनमेंट करूँ। एथर मेन जिनस थ्रो में समस्त को कह चाहे आम को सरकार बहुत लगी, आम को कम्युनिटी हेल्प दरकार, कम्युनिटी अवेयरनेस दरकार, कम्युनिटी आम खोला होगा अति खुशी न होकरी जी आम दायित्व रही सोशल डिस्टेंसिंग करिबा, गहली करिबा नहीं, अननेसेसरी बुलिबा नहीं, सही जिनस गुड़ाक आम जदि कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल बा बिहेवियर न करिबा सरकारंकर समस्त चेष्टा ठीक भावरे रिजल्ट न दे पर। राज्य में आरंभ होला अनलॉक 4.0 आउ लॉकडाउन कटकणारे सामान्य कोहल करा जाइछ। अत्यावश्यक सामग्री दुकान गुड़िक खोला जबार समय सीमार कोहल करा जाइछ। संक्रमण को दृष्टि रखी जिला गुड़िक कैटेगरी ए ओ बी रे विभक्त करा जाइ कटकणा हटा जाइछ। 17 जिला रे कटकणा नियम को टिके अधिक कोहल करा जाइछ। ए जिला गुड़िक रे सकाळ 6टा रु संध्या 5टा पर्यंत कटकणा को कोहल करा जाइछ। ए समय मध्ये रे दुकान बाजार खुला रहइबो, किंतु मॉल, जिम, सैलून और स्पा दी बंद रहइबो एवं उठा दुकान माने रास्ता कड़े खाद्य जिनस बिक्री करेंगे। अनेपक्ष खोर्धा, पुरी, नयगढ़, कटक, केन्द्रापड़ा, जगत सिंहपुर, जाजपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज और केन्दुर आदि जिलागुड़ बी वर्ग में रखा जाए। सब जिले सका 6 दिन गोटाए पर्यंत लॉकडाउन कटक कोहल कर सब जिले में केवल अत्यावश्यक सामग्री दुकान खोल, निर्माण श्रमिक दुकान, इलेक्ट्रिक दुकान आदि खोला रही, स्वास्थ्य सेवा संपर्कित दुकान और कृषि उपकरण दुकान भी खोला र तबे नाइट कर्फ्यू एवं सप्ताहांत शटडाउन बलवत्तर रहिबो। दुकान खोला जीवा नहीं, केवल एसेंशियल दुकान खोला रहिबो एवं सकाळ 6टा रो दिन गोटाए पर्यंत समस्त दुकान एसेंशियल कमोडिटीज पय जो पनीपरिबा एवं अन्यन ग्रोसरी आइटम पय जहां सब दुकान अछि से सब दुकान खोला। एंटायर राज्य रे दुग्ध चासी मानकर स्वार्थ को आखि रखि जत्ते मीठा दुकान अछि सब मिठा दुकान मध्ये खोलिया पई एही समय भितरे अनुमति दिया जाय छी। आज जो राज्य रे खोलिला मिठा दुकान, दुग्ध चासी को लागे मिठा खोलिबा पई राज्य सरकार को अनुमति परे मिठा दुकान खोली छी। आउ मिठा दुकान खोलिबा पई गतकाली जेमती की मुख्य शासन सचिव प्रेस मीट माध्यम रे सूचना देउथिले। प्रभात लेखा आम केन्द्रापड़ा रिपोर्टर ए बाबद्रे आम सहित आलोचना जोड़ प्रभात जदि देखा जे जमती कि पूर्वर लॉकडाउन सटडाउन थी सबकि दुकान गुड़िक बंद रहा विशेषकर जो दुग्ध चाषी रही दुग्ध व्यवसायी रही कोटाकोटी मंदावस्था पड़ते आउं स्वार्थकृत दृष्टि को दृष्टि रखी सरकार एक निष्पत्ति मिठा दुकान खोल। निश्चित भाव निवेदित कहवा जो दुग्ध व्यवसायी मैंने हरास ही पड़ता है, अनेक पक्ष कह जो दुग्ध सामग्री जो मीठा हो कि छेना हो छेना गजा हो कि रसावली हो कि पोटली पिठा हो एमती अनेक जो क्षीर सामग्री तैयारी करा जाए तबे आम बर्तमान अच्छु जो सिद्ध बलदेवजी पीठ पाखे पहुँची छू और सी जो मीठा दोकानी मैंने अच्छा टी आश्वस्ति होती खुशी लेयर खेली जाऊँच तेज आम जब कह जो दुग्ध सामग्री जो तैयारी करा तेज आम सीधा साल कथा दोकानी जड़े आम सहित जोड़ी होती जो व्यवसाय जड़े तेज एटी जब कह पोटली पिठा हो क्षीर गजा हो सब आगे बर्तमान मिठा दुकान बहुत दिन बंद था सरकार निश्चित क्रमे आज से मिठा दुकान खोली बर्तमान मिठा पकाउची रसावली पकाउची क्षीर गजाई पकेब मिठार भेराइट आइटम कर जहाँ बहुत दिन है लोक मैंने खाई नखिले आज जहाँ टे सरकार
निश्चित क्रमे मिठा मिलवे मार्केट जना कैमेरा पर्सन उमेश महाराण को सीधा साल फोकस करेंगे देखिए जो प्रकार व्यवसाय निश्चित भाव मिठा प्रस्तुत चली जदि कह रसावली प्रस्तुत चली तेज वास्तव चित्र देखुं सीधा साल देखुं ये रही सिद्ध बलदेवजी के पीठ जो केन्द्रापड़ा इच्छापुर परिसर चित्र आप देखु तेज मिठा व्यवसायी मैंने आश्वस्ति मिली तेज दीर्घ दिन धरी दुकान बंद पड़ा दुकान बंद पड़े आज दुकान खोली कौन कह बहुत दिन पर बहु असुविधा भितर आम आज परिस्थित दुकान खोलुचु जहाँ सरकार जो टिके कटकणा टिके कोहल करें टिके धन्यवाद सरकार को दौचु किंतु आम तो बहुत दिन आम गरीब गुरी आम तो पेट पटना कथा ये खोलिया दूर आम जो यूँ ने आम खाऊ पीऊँ चलुचु ये असुविधा आम टिके बंद है तो आसिक मे दुई रु बंद दुकान थी मे दुई रु बंद थी सेमती किसी ना एमती बस उठी जमी जहाँ खाऊ खाली मैंने खावाक तो हो बहुत असुविधा चलुलू आ कौन सरकार को राशन खाई जाने चलुलू आँच किलो खंडे छेनारे रसावली जाऊँ तीन किलो खंडे छेना चार पाँच किलो छेनारे मिठा भी जाऊँ आरी भितर गोटे प्रकार संतोषजनक उत्तर आसुच्छे सरकार को धन्यवाद जे जाहु आम दुख बुझिले सरकार तेरे प्रभात आप अटक सहित स्वप्ना अच्छा आम भुवनेश्वर रही पहाड़ में जे सेठारे मिठा दुकान खोली केमती रही व्यवसायी मध्य प्रतिक्रिया स्वप्ना आपको फेर भी स्वप्ना दीर्घ दिन पर आज मिठा दुकान खोलुच्छे जहाँ भी हूँ सरकार गोटे बड़ निष्पत्ति जेहतु दुग्ध व्यवसाय मंदावस्था पड़ते तेज व्यवसायी मध्य कौन प्रतिक्रिया सामना को आसूच दीर्घ दिन दुकान खोली देखते निवेदिता आज दीर्घ दिन पर अनलॉक रो प्रक्रिया आरंभ होई अनलॉक रो प्रक्रिया जो जो जिला मानकरे टिके कम रही कोरोना कटकणा ताकु गोटे निर्दिष्ट समय सीमा भितर अनलॉक खोली कहुए पारे आज भुवनेश्वर अनलॉक रो प्रक्रिया रो आज हूँ प्रथम दिन आज आम आसी पहुँचीचु पहाड़ रसगोला जो रसगोला को समस्ते खायापी भल पाती पार्टी को सुआदिया लगी था जो रसगोला को समस्त मन उत्साह थाए दीर्घ दिन धरी रसगोलार दुकान बंद थी कहीं कोरोना कटकणा कौटिना कौटि प्रशासन को बाध्य कर समस्त दुकान बंद करने तेज आज यह खोला होती छु सका छु मध्यान गोटाए जाए यह खोला रही एमती सूचना रही तेज आज आम आसी पहुँचीचु पहाड़ रसगोला जो बिक्री होहाड़ में आम आँचीचु आम सहित सीधा साल दृश्य देखिपे मटका स्वीट्स ना दोकानी रही पहाड़ रसगोला भली की भली रसगोला मिलू सहित छेनापोड़ आप देखिपे कि बेसिकली पहाड़ रसगोला को बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्ना आप तमाम सूचना तेज राज्य बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंह प्रेस मीट पर नजर पक टा स्वास्थ्य भित्तिभूमि लगे आमे स्पष्टीकरण चाहूँ जे ये जो 8,500 कोटी टंका मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कहिले सी आगुरु लगे कि एबे लगेबे कि 8,500 कोटी टंकार स्वास्थ्य भित्तिभूमि दिगरे ओडिशा रे काम चली कि विगत दिन मानकर हेल्थ बजेट को सबु मिसेकिरी से 8,500 कोटी टंका कहिले ना डाक्टर मानंकर दरमा याकु मिसेकिरी 8,500 कोटी टंका कहिले ये 8,500 कोटी टंकार हिसाब मुख्यमंत्री कोठु पाइले ये होची आमर प्रश्न कौनसी प्रेस कॉन्फ्रेंस डाकिकिरी याकु घोषणा करिनाहंती कि को समय रे 8,500 कोटी टंका केमिति खर्च हला को डाक्तरखाना निर्माण रे तयारी हला कि ऑक्सीजन प्लांट रे लागिला कि वेंटिलेटर किणा हला कि एक्मो मशीन किणा हला कौनसी प्रकार ब्रेकअप न देकिरी सीधा सड़क 8,500 कोटी टंका ओडिशा सरकार स्वास्थ्य भित्तिभूमि रे लगेची बोली कहिकिरी डाक्तर मानंकु भी भंडेइचंती आउ ओडिशा रो जनतांकु भी भंडेइचंती आमर सीधा सड़क प्रश्न मुख्यमंत्री एई 8,500 कोटी टंका स्वास्थ्य भित्तिभूमि पाइकी तार ब्रेकअप आमको दियंतु कोठी केते टंका तंकर खर्च होइछि स्वास्थ्य दिगरे कौन सरकारंकर अभिमुख्य थाए कौन भित्तिभूमि थाए तार परिचय मिले जेतेबेले गोटे हेल्थ इमरजेंसी पड़े आउ कोरोना महामारी प्रथम वर्ष तापरे द्वितीय वर्ष द्वितीय लहरी रे
स्पष्ट जना पड़िला जे ओडिशा रो स्वास्थ्य भित्तिभूमि संपूर्ण भाव रे विपर्यस्त रसातल भूतल तलातल को गलानी एठी स्वास्थ्य अवस्था ओडिशा सरकार कर चेता तो आसुना उल्टा ये सब कथार लोकंर नजर हटेबापी डाइवर्ट करवाई अटेंशन गोटे डाइवर्शनरी टैक्टिक्स हिसाब रे मुख्यमंत्री डाक्तर मानू उद्बोधन दौर समय रे 8,500 कोटी टंका स्वास्थ्य भित्तिभूमि खर्च हो सतरे 8,500 कोटी टंका खर्च होता ताले याकू तो मुझे भावुची जे ओडिशा सरकार मुख्यमंत्री मुख्य शासन सचिव सीएमओ 5T डिंडीम पिटिकी डिक्लेयर करथांते जे को जगार केतिकी कोटी टंका खर्च होई सर्वमोट 8,500 कोटी टंका खर्च होई किंतु कौनसी जगार खर्चर कौनसी आभास नाही डाक्टर मानंक संगे वीसी करूथवा समय रे ए कथा को कहिबा परवर्ती कालरे ताको प्रेस रिलीज करिकी गणमाध्यम को दबा एवं गणमाध्यम सबु खबर कागज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रे ताको छपेवा ये जणा पडुची जे डाक्टर अभाव कोरोना मिसमैनेजमेंट फेक ड्रग्स रो व्यापार जो ओडिशा रे चलीची कोरोना संक्रमितक संख्या जो ओडिशा रे बढुची कोरोना मृतकक संख्या जो आपण लुचेचंती ये सबुरु नजर हटेबा पई की गोटे धुआं बाण कौन ना 8,500 कोटी टंका खर्च होइछ आज जदि आम ओडिशार अवस्था देखा मुझे आपण को कहवाक चाहूँ जे जेतबेले संपूर्ण देश में करोनार पॉजिटिविटी रेट कमुच भारत बर्षर ऑल इंडिया एवरेज होउछि 5-5% होउछि ऑल इंडिया पॉजिटिविटी एवरेज हार किंतु ओडिशार 1 जून सुधा थिला 15%, आउ एबे भी ऑल इंडिया हार ठू अधिका अच्छी ओडिशार हार। द्वितीय बड़ कथा है जदि आम उपकूल अंचल देखिबा उपकूल अंचल रे पॉजिटिविटी रेट संक्रमित संख्या बहुत अधिका आउ जाजपुर भली जिल्ला रे 22%, जोटी संपूर्ण देश उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र भलिया राज्य जोटी संक्रमण अति अधिका थिला से माने कंट्रोल कर पारले तांकर पॉजिटिविटी जीरो पहुँचलानी सेठी ओडिशा रे बढ़ी बढ़ी जाउछ मृतकंक संख्या आपणक निज हिसाब भी तालमेल खाऊनी केतेबेले सीडीएमओ आपणकर सत कहि देलेनी केतेले स्मशान रु सत खबर आसीगलानी केतेबेले गणमाध्यम रे सतर चर्चा होउछ किंतु आपण आपणकर एजेंसी लगेकिरी मृतकंकर संख्या को बराबर कम रखिवा पई कि चेष्टा करचंती जोटा विभिन्न समय रे भूल बेली प्रमाणित होउछ काहेकि आपण मृतकंक संख्या लुचौचंती ए कथा भी राज्य सरकार स्पष्ट करिवार आवश्यकता रही खाली से नुहे जदि आम ओडिशार स्वास्थ्य भित्तिभूमि अवस्था देखिबा ओडिशा देश रे डाक्टर संख्या रे नेशनल एवरेज टू बहुत तले अछि नेशनल एवरेज होची प्रत्येक 1456 लोकंक भितरे जणे डाक्टर किंतु ओडिशा रे प्रत्येक 1864 लोकंक भितरे जणे डाक्टर ये होची ओडिशा रा अवस्था आउ निजे डब्ल्यूएचओ कहउचंती जे जोटा होची डब्ल्यूएचओ रो नॉर्म 1000 लोकंक जणे डाक्टर सेई रेशियो पहुंचिबा पई की ओडिशा को 2035 मसीहा लागिजिवो एथरु आपण जानी पड़ते ओडिशा रा स्वास्थ्य रा भित्तिभूमि आ कोभली भाव रे भंडौचंती साधारण लोकंक मिछ कथा कहिकी ए राज्य सरकार केवल सेतिकी नुहे जदि आमे डाक्तरखाना बेड रा संख्या देखिबा ओडिशा रे लक्षे लोकंक लागि मात्र 69 बेड रहिछि जेतेबेले नेशनल एवरेज होउछि लक्षे लोकंक लागि 139 बेड आउ किछि राज्य अछि जेमति केरला आंध्र प्रदेश कर्नाटक भली जो माने नेशनल एवरेज टू बी ऊपर अछन्ति कर्नाटक रे नेशनल एवरेज होउछि जे प्रत्येक लक्षे लोकंक लागि 398 बेड
जदि कर्नाटक रे प्रत्येक लक्ष लोकों पर 398 बेड हो पारा ताले ओडिशारे प्रत्येक लक्ष लोकों ओडिशा संगीत जगतर बेस लोकप्रिय गायिका तपो मिश्रा स्वास्थ्यवस्था वर्तमान गुरुतर रही असुस्थता कारण भुवनेश्वर एक घरोई हॉस्पिटल भर्ती करा नहीं सूचना मिली तबे किसी दिन तले से कोरोना पॉजिटिव बाहर पर घरे रही चिकित्सित होते तेरे स्वास्थ्यवस्था बिगड़ जबारू हॉस्पिटल भर्ती करा आईसीयू रही चिकित्सित होता बेले आशु आरोग्य कामना करगणित फैन तेरे तपो मिश्रा स्वास्थ्यवस्था नहीं सरकार को सहायता लोड़ी भौणी एक स्वतंत्र डाक्तरी टीम गठन कर चिकित्सा करने सरकार को निवेदन करपूं भौणी लोक फर्दर जब गवर्नमेंट किसी टेक्निकल टीम बन किसी तरह ट्रीटमेंट टेक ओवर करता तो कल किसी इम्प्रूवमेंट हो पारंता मुझे रिक्वेस्ट कर गवर्नमेंट को मुझे खबर पठे कि मीडिया दिखा खाली प्रे कर फंड भी आमको जोगाड़ पारे जदि से इम्प्रूव हम तो आमको फंड जोगाड़ हम ना गोटे टेक्निकल टीम जो कर ट्रीटमेंट हम पब्लिक फिगर से इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग महामारी कोरोना जो बातिल होता सीबीएसई द्वादश श्रेणी रिजल्ट जुलाई 31 सुधा प्रकाश पाइबा आज सीबीएसई पक्षर यह सूचना सुप्रीम कोर्ट को दि जाएगी। से दशम एकादश द्वादश श्रेणी प्री बोर्ड प्रदर्शन को देखे छात्र छात्री मार्क निर्धारण सीबीएसई आज सीबीएसई पक्षर जस्टिस एमए खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरक खंडपीठ को कहते जे 40-30 अनुजाई पिला मार्क दिजिव द्वादश श्रेणी प्री बोर्ड परीक्षार 40% मार्क एकादश तीस और दशम 30% मार्क को विचार को निजाई द्वादश श्रेणी रिजल्ट घोषणा कर शत्रुपा सामंतराय भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ शत्रुपा जुलाई 31 सुधा प्रकाश पाइब सीबीएसई द्वादश परीक्षा रिजल्ट बाबद कौन अपडेट आसू जो मार्किंग कथा उठुला मार्किंग किभली भाव रे हबो ताकू नै वर्तमान पूरापूरी भाव रे सीबीएसई प्रस्तुत रही मार्किंग को नै कि जदि कहिबो 30-30-40 एई प्रतिशत एभली प्रतिशत रे मार्किंग करा जिवो प्रथम 30 जो परसेंट मार्क निया जिवो सेटा होची दशम श्रेणी रे छात्र छात्रिंग कर निया जिवो पुनी द्वादश रे से माने जो परीक्षा देछंती सेथिरु 30% मार्क निया जिवो जो 11th क्लास रे जो परीक्षा देथिले सेथिरु 30% निया जिवो एवं द्वादश रो जो जदि कहिबा प्लस 2 रो जो प्री बोर्ड परीक्षा देथिले सेथिरु 40% मार्क निया जिवो एभली भाव रे तांकर मार्किंग करा जिवो जो 100% सर्वमोट मार्किंग करा जिवो एवं जो मेट्रिक परीक्षा जो जेते बेले छात्र छात्री देथिले 5टी सब्जेक्ट रु आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट जो थरे छात्र छात्री सबुठ भलो मार्क रखिथिबे सेथिरु 30% निया जिवो एवं ठीक सेही भली भाव रे प्लस 2 फर्स्ट इयर रे मध्ये ठीक 5टी सब्जेक्ट रु 3टी सब्जेक्ट जो थरे छात्र छात्री सबुठ भलो करिथिबे सेथिरु 30% मार्क निया जिवो एवं ठीक जेते बेले जदि कहिबा आउ जो 40% मार्क रहि जाउची जेते बेले से माने प्लस 2 सेकंड इयर रो द्वादश कहि परिबा द्वादश श्रेणी रो प्री बोर्ड परीक्षा जेते बेले देथिले प्री बोर्ड परीक्षा रे जेते मार्किंग हेतला सेथिरे जो मार्क से माने सिक्योर करिथिबे सेथिरो 40% मार्क निया जाय कि सर्वमोट आउट ऑफ 100 रो छात्र छात्रि मानको बहुत बहुत धन्यवाद सत्रपा समंतराय म भुवनेश्वर प्रतिनिधि हम सतो जुड़े थे जासे कोथले मामरी कोरोना जको बातिल होतबा सीबीएसई द्वादश श्रेणी रिजल्ट जुलाई 31 दा प्रकाश पाइप आज सीबीएसई पक्षरो ने सुप्रीम कोर्ट पक्षरो सूचना दिया जाय छे समय सरे छ बुलेटिन को इरसा छ अधिक अपडेट पाए देखु थांतु अर्गस न्यूज नमस्कार।